बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज होते हैं, इस बिना पे इनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स ऑर्डर से अरेंज होते हैं, एक ही तादाद में, जैसे कि तीन पार्टिकल एक ही तादाद में, एक ही शक्ल में पार्टिकल अरेंज होते हैं। और ये ऑर्डर अरेंजमेंट किसी एक जगह तक रेस्ट्रिक्ट नहीं होती, पूरे क्रिस्टल में ये अरेंजमेंट इसी तरह की होती है। चूंकि पार्टिकल्स ऑर्डर से अरेंज होते हैं, हर जगह पे एक जैसे अरेंज होते हैं, इसी बिना पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्पेसिफिक शेप हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खूबियां एमॉर्फस सॉलिड से टोटली मुख्तलिफ होती है। क्रिस्टल मुश्तमिल होता है फ्लूइड सरफेस पे। कंसिडर दिस टू बी अ क्रिस्टल, ये एक क्रिस्टल। इस फ्लूइड सरफेस को जो आपके सामने है, इसे कहते हैं फेस। क्रिस्टल में कितने फेसेस हैं तो आप गिन सकते हो, एक ये और एक ये, एक फ्रंट एक बैक, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, एक दो तीन चार पांच छह। क्रिस्टल के छह फेसेस होते हैं, एक फेस और दूसरा फेस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक शार्प लाइन बनती है। एक फेस जब दूसरे फेस को इंटरसेक्ट करे तो एक शार्प लाइन बनेगी, इस शार्प लाइन को एज कहते हैं, एज। फेस, व्हाट इज मीन बाय फेस? फ्लैट सरफेसेस। कितने फेसेस हैं? छह। मैं फिर आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये एक क्रिस्टल है, इसके फ्लैट सरफेसेस यानी फेसेस आप खुद गिनिए, एक आपकी तरफ एक पीछे, कितने हुए? दो। एक ये ऊपर एक ये नीचे, कितने हुए? चार। एक दाएं और एक बाएं, कितने हुए? छह। शार्प एजेस, व्हाट इज एन एज? एज किसे कहते हैं? एज उस लकीर को कहते हैं जहां पे दो फेसेस इंटरसेक्ट, एक ये फेस और दूसरा ये फेस। तो ये जो जगह बनी, ये जो लकीर बनी, इसे कहोगे एज। कितने एजेस होते हैं? देयर आर 12 एजेस, आप खुद गिन सकते हो, एक दो तीन चार, चार यहां चार यहां चार, तो ये कुल मिला के बनते हैं 12।
और कॉर्नर्स पे मुश्तमिल होता है। कॉर्नर, व्हाट इज अ कॉर्नर? कॉर्नर किसे कहते हैं? कॉर्नर उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे तीन फेसेस इंटरसेक्ट कर, एक ये फेस हुआ, दूसरा ये फेस हुआ और तीसरा ये फेस हुआ। तो ये फेस और ये फेस यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इस जगह पे, इसे कहोगे कॉर्नर। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? कॉर्नर्स आपके लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ कॉर्नर्स होते हैं। फेस का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ पार्टिकल, हाफ ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल के आधे हिस्से को फेस कहते हैं, जबकि 1/4 ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एन एज। 1/8 ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड फॉर्म। और अब ये मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। लुक एट दिस, दिस इज अ पोटैटो, आलू है, और इसे मैं कंसिडर कर रहा हूं एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक आयन जो कि स्फेरिकल शेप का है, गोल है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इससे फेस बनाऊं, यानी इस पोटैटो को आप एक पार्टिकल कंसिडर करें, और ये शक्ल भी कैसा है, स्फेरिकल है, गोल है, इससे आपने फेस बनाना है। व्हाट इज मीन बाय फेस? फेस का मतलब है फ्लैट सरफेस, यानी इसे हमवार बनाना है, हमवार। तो हमवार बनाने के लिए मैं इसके कितने टुकड़े करूंगा, ये आपने देखा कि इसे हमवार बनाने के लिए, स्मूथ सरफेस बनाने के लिए दो हिस्सों में तकसीम करवाना है। तो क्रिस्टल में जब भी फेस का जिक्र आ जाए, एकदम आप जहन में ले आए कि फेस का मतलब होता है आधा पार्टिकल। पार्टिकल को कैसे हमवार बनाना है? जब उसे आप दो हिस्सों में तब जाके वो हमवार बन जाए। ओके, ये तो क्लियर हुआ कि क्रिस्टल में अगर हमने पार्टिकल से फेस बनाना हो तो उस पार्टिकल को हम काटेंगे दो हिस्सों में। एज बनाना हो, एज, व्हाट इज एन एज? एज किसे कहते हैं? एज उस पॉइंट को, उस लकीर को कहते हैं जहां पे दो फेसेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ये मेरे पास वही पार्टिकल और इस पार्टिकल से मैंने एज बनाना है, तो इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, सिर्फ एक फेस बना, एक फेस ये, एक फेस ये। और अगर इस एक पार्टिकल के मैंने दो फेसेस बनाने हो, दो, तो देखो एक फेस ये और दूसरा फेस ये, और ये जो जगह बन गई इस जगह को कहेंगे एज। तो ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल के मैंने कितने टुकड़े किए? चार। ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल के मैंने कितने टुकड़े किए? चार।
मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल में जब भी एच लफ्ज आपके सामने आ जाए एच, तो एच का मतलब होगा 1/4 ऑफ अ पार्टिकल. एन एच इन क्रिस्टल मींस फोर्थ पार्ट ऑफ अ पार्टिकल. पार्टिकल के जब आप चार टुकड़े करोगे तब जाके उससे एक एच बने. या दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि एक एच पे 1/4 पार्टिकल होता है. कॉर्नर, व्हाट इज मीन बाय कॉर्नर? कॉर्नर को हम यू डिफाइन करते हैं, वो पॉइंट जहां पे तीन फेसेस आपस में इंटरसेक्ट करें. इस जगह को कॉर्नर कहते हैं, इस जगह को. तो ये कितने फेसेस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तीन. इज दिस अ कॉर्नर? नो, दिस इज नॉट अ कॉर्नर, दिस इज एन एज. व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये न एज है न कॉर्नर है, ये हमवार है. तो हमवार जगह को क्या कहते हैं? हमवार जगह को फेस कहते हैं. ये वही पार्टिकल था जिसको मैंने कई हिस्सों में डिवाइड किया. अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या इससे कॉर्नर बना है कि नहीं. तो ये देखिए, इज इट अ कॉर्नर? बिल्कुल ये एक कॉर्नर है. और सबूत के तौर पे देखे कि कितने फेसेस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक, दो, तीन. तीन फेसेस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो जगह बन गई, इस जगह को कहोगे कॉर्नर. इस जगह को कहोगे कॉर्नर. ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो आप खुद घर में भी कर सकते हो. तो क्रिस्टल में जब भी आपको कॉर्नर लफ्ज नजर आए, कॉर्नर, तो कॉर्नर से मुराद होगा पार्टिकल का आठवां हिस्सा. अगेन लुक एट दिस क्रिस्टल. इस क्रिस्टल को आप देखें. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड फेस. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड फेस. व्हाट इज दिस? ये भी फेस है. टोटल फेसेस कितने हैं? छह. और शुरू में मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल में फेस का मतलब होता है फ्लैट सरफेस, यानी आधा पार्टिकल. आधा पार्टिकल ये, आधा पार्टिकल ये, आधा पार्टिकल ये, आधा पार्टिकल ये, हर फेस का मतलब है आधा पार्टिकल. टोटल फेसेस कितने हैं? छह. टोटल पार्टिकल्स एट फेसेस विल बी इक्वल टू थ्री. तीन के से लेट मी टेल यू अगेन. Consider another particle. Particle का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल या आयन, जो किस शक्ल का है? गोल शक्ल का है. क्या ये फेस है? नो, ये फेस नहीं है. फेस का डेफिनेशन है फ्लैट सरफेस, हमवार सतह. तो मैंने अगर इस पार्टिकल से फेस बनाना है, यानी इसे हमवार करवाना है, तो मैं इसको कितने हिस्सों में काटूंगा? दो हिस्सों में मैंने इसे काट लिया. ये हमवार बना,
ये फेस है, ये फेस है, ये देखो ये कितना पार्टिकल है, आधा पार्टिकल, ये कितना पार्टिकल है, आधा पार्टिकल। तो मेरे पास दो आधे पार्टिकल है, इसका मतलब है मेरे पास दो फेसेस है। टोटल फेसेस कितने हैं? टोटल फेसेस हैं छह। तो टोटल पार्टिकल कितने हुए? टोटल पार्टिकल हो गए तीन, यानी 6 / 2 = 3। ओके, व्हाट इज मीन बाय एज? एज किसे कहते हैं? एज उस जगह को कहते हैं जहां पे दो फेसेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ये कितने फेसेस हैं? एक। तो इसमें एज नहीं है। अब मैंने इसमें एज बनाना है तो मैं इसको अगेन काटूंगा यू। इसको जब मैंने काट लिया तो देखो इसकी ये जगह हमवार हो गई, ये जगह हमवार हो गई। हमवार जगह को क्या कहेंगे? फेस। ये फेस, ये फेस, जहां पे इन्होंने एक दूसरे को काटा है उस जगह को हम कहेंगे एज। एज बनाने के लिए मैंने इस पार्टिकल के कितने टुकड़े किए? चार। एज लफ्ज आपको क्रिस्टल में कहीं पे भी नजर आए तो एज का मतलब होगा 1/4 ऑफ अ पार्टिकल। ओके, तो टोटल पार्टिकल्स टोटल पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स। आप जानते हो कि टोटल कॉर्नर्स आठ होते हैं। टोटल कॉर्नर्स कितने? आठ। कैसे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। टोटल कॉर्नर आठ है। क्या इसमें कॉर्नर है? नो। कॉर्नर कैसे कहते हैं? कॉर्नर उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे तीन फेसेस इंटरसेक्ट करते हैं। तो कॉर्नर बनाने के लिए मैंने इस पार्टिकल को काटना होगा यू। ये आप देखिए उस पार्टिकल के मैंने कितने टुकड़े किए। पार्टिकल के मैंने आठ टुकड़े किए, आठ। ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर पे कितने फेसेस इंटरसेक्ट करते हैं? तीन। तो एक कॉर्नर का मतलब होगा 1/8 ऑफ अ पार्टिकल। व्हाट विल बी मीन बाय अ कॉर्नर? 1/8 ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल के आठवें हिस्से को एक कॉर्नर कहते हैं। टोटल कॉर्नर है आठ और एक कॉर्नर पे पार्टिकल है 1/8, तो देयर विल बी वन पार्टिकल एट ऑल, वन पार्टिकल। आठ कॉर्नर्स मतलब एक पार्टिकल। ये एक सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन है जो आप अपने घर में भी कर सकते हो। कैसे करोगे? तो करने का तरीका मैंने आपको बताया। एक पार्टिकल ले ली, यानी कोई पोटैटो ले ली, ये रिप्रेजेंट करेगा एक पार्टिकल को।
इससे आपने फेस बनाना है. फेस, व्हाट इज मीन बाय अ फेस? फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड फेस. क्या ये फ्लैट है? नहीं, ये फ्लैट नहीं है, बल्कि ये स्फेरिकल है. तो इससे फेस बनाना है, यानी इसे हमवार करवाना है. हमवार करवाने के लिए इसके कितने टुकड़े करने होंगे? दो. तो ये जब मैंने इसके दो टुकड़े किए, इनफैक्ट मैंने दो फेसेस बनाए, एक फेस ये, एक फेस ये. अब दूसरे अल्फाजों में फेस का क्या मतलब हुआ? फेस का मतलब हुआ आधा पार्टिकल. अच्छा, फिर इसी पार्टिकल से आप एज बनाए. एज, What is mean by an edge? Edge उस लकीर को कहते हैं जहां पे दो faces आपस में intersect करते हैं. तो इसको जो मैंने मजीद काटा, एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ, ये लकीर कहलाएगा एज. और ये देखिए पार्टिकल के कितने टुकड़े हुए? चार. तो ये कुल कितने एजेस हैं? अब मेरे पास चार एजेस हैं, एक दो तीन चार, चार एजेस है. चार एजेस से मुराद है एक पार्टिकल. इसको जब मैं फिर ऐसे यूं जोड़ दूंगा तो ये एक सिंगल पार्टिकल बनेगा. चार एजेस से मुराद होता है एक पार्टिकल. क्रिस्टल में टोटल एजेस कितने हैं? 12. तो एजेस में टोटल पार्टिकल कितने हुए? 3. और कॉर्नर, कॉर्नर किसे कहते हैं? कॉर्नर उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे तीन फेसेस इंटरसेक्ट करते हैं. आप इस पार्टिकल को यूं काटें कि इसके तीन फेसेस बने, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस. ये जो जगह है, ये वाली जगह, this will be called an edge, sorry, a corner. तो कुल कितने corner मेरे पास बन चुके हैं? 8. तो एक corner का मतलब होता है 1/8 of a particle. 8 corner का मतलब होगा एक single particle. तो ये चीजें याद रखनी हैं, ये बहुत ज्यादा important हैं. और इसकी सही समझ आपको तब आएगी जब आप ये प्रैक्टिस खुद करोगे. पोटैटो ले लें और उससे फेस बनाएं, यानी उस पोटैटो को हम वार करें, तो आप देखोगे कि पार्टिकल से स्मूथ सरफेस बनाने के लिए उसके दो टुकड़े कर रहे हैं. इसको हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. क्रिस्टल को ड्रा करने का तरीका भी आप समझें. ऐसे एक स्क्वायर बनाएं, फिर एक और स्क्वायर, और फिर इस कॉर्नर को आप इस कॉर्नर के साथ मिलाएं, इसी तरह इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाएं, इस कॉर्नर को आप इस कॉर्नर के साथ, ये कॉर्नर आप इस कॉर्नर के साथ मिला है. जैसे मैंने कहा कि क्रिस्टल में कुल कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो आप गिन सकते हो. एक कॉर्नर ये, एक दो तीन चार पांच छ सात और ये 8. कुल कितने कॉर्नर हुए? 8. ये सारे हर कॉर्नर
1/8 पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे पार्टिकल अगर मैं एड करूंगा इससे आ जाएगा 1 पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड एज। इसे क्या कहते हैं? एज। व्हाट इज एन एज? जब एक फेस दूसरे फेस को इंटरसेक्ट। और जैसे मैंने बताया कि क्रिस्टल में कुल एजेस कितने होते हैं, तो क्रिस्टल में कुल एजेस 12 होते हैं। 12 आप यहां से काउंट कर सकते हो। मैं इन कॉर्नर्स को यूं मिटा देता हूं। अब मैं एजेस लिख रहा हूं। एजेस का मतलब है ये लकीरें। 1, 2 ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। एक एच का मतलब है 1/4 ऑफ। तो कुल एजेस मेरे पास 12 है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका मतलब है 3 पार्टिकल। तो 12 एजेस का मतलब होगा 3 पार्टिकल। अच्छा, ये जो जगह है इसे कहते हैं फेस। एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, एक बाएं एक दाएं। टोटल फेसेस कितने हुए? टोटल फेसेस हैं 6। और फेस का मतलब होगा, फेस का मतलब होगा 1/2 ऑफ अ पार्टिकल, यानी आधा पार्टिकल। तो 6 फेसेस हैं और एक फेस का मतलब होता है आधा पार्टिकल। तो टोटल पार्टिकल कितने हुए? टोटल पार्टिकल हो गए 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ, यानी 3 पार्टिकल। तो ये कुल मिला के कितने पार्टिकल बन गए हैं? 1 पार्टिकल कॉर्नर, कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स का मतलब है 1 पार्टिकल। 12 एजेस का मतलब है 3 पार्टिकल। और 6 फेसेस का मतलब है 3 पार्टिकल। टोटल पार्टिकल कितने बने? 7। तो अगर मैं क्रिस्टल को यू रिप्रेजेंट करूं तो ये एज अ होल कितने पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा? ये एज अ होल रिप्रेजेंट करेगा 7 पार्टिकल्स को। ये इसकी सही समझ आपको तब आएगी जैसे मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, अगर आप खुद यू ऐसे करें। 2 फेसेस के दरमियान एंगल को, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। एंगल बिटवीन 2 फेसेस इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। या एक एज ये और दूसरा एज ये जब एक दूसरे को कट करते हैं तो बीच में ये जो एंगल बना, इस एंगल को कहेंगे इंटरफेशियल एंगल। ये क्रिस्टल टू क्रिस्टल वेरी करता है। एक क्रिस्टल में इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री का होगा, किसी और क्रिस्टल में ये एंगल किसी और डिग्री का होगा। ओके, तो ये तो क्रिस्टल के बारे में थोड़े से इंफॉर्मेशन जो आपके पास होने चाहिए, मस्ट है। आप
क्रिस्टल को कैसे एक्सप्लेन करोगे, कहोगे क्रिस्टल मुश्तमिल होता है प्लेन सरफेसेस पे जिसे फेस कहते हैं। टोटल फेसेस हैं छह। जब एक फेस दूसरे फेस को काटता है तो एक बारीक सी लकीर बनती है जिसे एज कहते हैं। टोटल एजेस होते हैं 12। फिर कहोगे जब तीन फेसेस एक दूसरे को काट देते हैं तो एक शार्प एक बारीक पॉइंट बनता है, उस बारीक पॉइंट को कहोगे कॉर्नर। अब क्रिस्टलोग्राफी की जुबान में फेस का मतलब होगा आधा पार्टिकल, एच का मतलब होगा पार्टिकल का फोर्थ पार्ट, जबकि कॉर्नर का मतलब होगा पार्टिकल का आठवां हिस्सा। एक एच दूसरे एच के बीच एंगल को कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। नाउ वी विल डिस्कस दी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खूबी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Characteristic properties of crystalline solid. First one is different geometric shape. Crystalline solids have definite geometric shape. This is due to ordered arrangement of particles.